दोस्तों ये है भांग और पीछे हुआ है गेहूं, तो ये बड़ा अजीब सा मिश्रण है। तो पहले चावल खाना है, भात खाना है, उसके बाद सुट्टा। हाय गाइस, तो आज मैं आया हूँ रानीखेत पे और मैं इस समय हूँ एक छोटे से गांव जो है भगीना। और यहाँ पर जैसे कि आपको आवाज़ सुनाई दे रही है, केवल चिड़ियों की। और सुबह का टाइम है, इस समय 8:30 कुछ बजा हुआ है इस समय, और काफ़ी शांत जगह है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। एक नदी बहती है नीचे और गुप्त काशी करके यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है। और जो पूरा का पूरा ये जगह है, यहाँ पे केवल शांति है। गिने चुने लोग हैं, जो गांव हैं वो ज़्यादातर खाली है, क्योंकि जो लोग हैं वो या तो काम करने के लिए बाहर गए हुए हैं, और जो घर हैं वो ज़्यादातर वीरान पड़े हुए हैं। तो आज देखेंगे हम लोग यहाँ रानीखेत का एक गांव। हम लोग आए हुए हैं पंकज के गांव में ऐसे घूमने के लिए। जो इतने भी आपको घर देख रहे हैं, ज़्यादातर या तो लोग चले जा चुके हैं, और जो इनकी नेक्स्ट जनरेशन है वो जॉब कर रही है बाहर, तो बच्चों के पढ़ने के लिए भी, क्योंकि यहाँ पे स्कूल जो है, जैसे कि हम ऊपर गए थे प्राइमरी स्कूल में केवल 2 बच्चे थे, और जो बाकी के स्कूल हैं वो या तो रानीखेत हैं जो 20 किलोमीटर दूर हैं। और काम की जो है वो कमी उत्तराखंड में काफ़ी है, तो घर बहुत सारे हैं और गांव जो है खाली है। जो यहाँ बच्चे भी हैं वो भी वृद्ध लोग हैं। पंकज भी जैसे आया तो जॉब से छुट्टी लेके यहाँ पे आया हुआ है। पिछली बार हम यहाँ सबसे ऊपर वाले में आए थे, एक जो 2 मंजिला था। तो ये पहाड़ों के बड़े बड़े घर हैं, जिन्हें छोड़ के लोग जो बाहर जॉब कर रहे होते हैं वो छोटे छोटे अपार्टमेंट में चले जाते हैं। यहाँ पे जितना खुला हुआ बरामदा है, खुले हुए खेत हैं, वो सारे के सारे खाली पड़े हुए हैं। ऐसे जहाँ हम आए हुए हैं, यहाँ पे बाहर से लगा हुआ है ताला। ये आते रहते हैं। ये जो मकान है, अभी क्या हो रहा है, पहाड़ में एक प्रचलन चल रहा है, कोविड के समय से लोग क्या अपने जो पुराने घर हैं उनको रेनोवेट कर रहे हैं और नया और अच्छा बना रहे हैं, ताकि कभी जब इस टाइप की महामारी आती है तो वो टाइम स्पेंड यहाँ कर सकते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा अभी क्या कर रखा है लोगों ने, अपना पानी का स्टोरेज की फैसिलिटीज़ भी कर दी है, क्योंकि पानी की कभी कभी स्कैर्सिटी रहती है। तो यहाँ पे टैंक लगी हुई है जैसे कि दिख रहा है, टैंक वगैरह लगा रखे हैं, और ये सब वॉशरूम वगैरह बना रखे हैं इधर। और ये पुराने मकान हैं जिनको अभी बहुत बढ़िया ढंग से रेनोवेट किया गया है। इन घरों को अगर आप गौर से देखेंगे ना, तो इसमें 2 माले हैं। नीचे जो है वो छोटा वाला एक वो है, ऊपर जो ये है झरोका है, जैसे हमारा खिड़की चलती है, ये मेन एंट्रेंस है। और अगर आप इनको बारीकी से देखें तो ये पुरानी जो लकड़ी है, इनमें काश्तकारी भी करी रहती है। ये करी हुई है काश्तकारी, ये पुराना किसी टाइम पे जो यहाँ के लोग आए होंगे उन्होंने खुद अपने हाथों से स्कल्प्टेड वो है। दरवाजे जो हैं कितने पुराने, देखिए। तो यहाँ पे है जलावन की लकड़ी, और ये वाला जो होता है लूटा लूटे हुए, नहीं जो हरी घास हुई किस काम आई है, ये जानवरों को सूखी घास और वो जो हरी घास दोनों का मिक्सचर बना के देते हैं। जब हरी घास खत्म हो जाती है तो यही खाते हैं। तो पीछे जैसे पंकज ने बताया, ये हैं सारे के सारे लूटे, इसमें घास को सुखा दिया जाता है, और ये काफ़ी टाइम तक का जो हरी घास है उसके साथ मिला के काम आती है जानवरों को खिलाने के लिए। तो जानवर यहाँ काफ़ी पाले हुए हैं, भैंस हैं, गाय हैं, और जैसे गांव दिख रहा है पूरा शांत है यहाँ पे, कोई हल्ला गुल्ला कोई कुछ नहीं। इस समय लोगों के खाने पीने का समय चल रहा है। हमारे पीछे जो याला घर है, ये पूरा पत्थर और मिट्टी से बना हुआ है, काफ़ी पुराना है। उत्तराखंड में जो शिल्प शैली पुरानी थी वो लकड़ी, पत्थर और मिट्टी से बने रहती थी पूरी की पूरी।
तो ये घर काफ़ी लोगों से आबाद रहा होगा, और अब क्योंकि सारे के सारे जो घर हैं सीमेंटेड हो गए हैं, ईंटों से बन रहे हैं, टिन से बन रहे हैं, तो याले घरों का रख रखाव हुआ नहीं था और टूट के जैसे कि आपको दिख रहा है पूरा गिर चुका है। तो गाइस ये है पुराना सा घर एक, यहाँ पे हनुमान जी जो है वो द्वार पे बने हुए। घर काफी पुराना है और बंद है। तो गाइस ये है जैसे कि पंकज ने मुझे बताया गांव का एक मंदिर, कौन से देवता का है पंकज जी? चमू देवता का मंदिर है। तो गांव के जो लोग हैं वो इसे आके पूछते हैं। यहाँ पे आपको नारियल और जो बाकी चढ़ा हुआ है वो दिख रहा है। और बनता क्या क्या कहा तुमने? खीर बनती है और मीठे पकवान चढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ पे खीर बनती है, मीठे पकवान बनाए जाते हैं। तो गांव के लोग जब वापस आते हैं और उनके जो बच्चे हैं वो वापस आते हैं तो यहाँ पे पूजा वूजा करी जाती है। और जैसे कि उत्तराखंड में अगर आपने पुराने मंदिर देखे हैं तो कुछ इसी तरह बनाए जाते हैं, पत्थरों से ही बनाए जाते हैं। भगवान हर चीज़ में विराजते हैं, उस चीज़ को चित्तार्थ करने के लिए सबसे जो बेस्ट चीज़ है वो है जो पत्थर जो कि हर जगह पाए जाते हैं, उन्हीं से देवी देवता बनाए जाते हैं, उनकी पूजा होती है पहाड़ों में। हम लोग जा रहे हैं इस समय, जो पीछे पेड़ दिख रहे हैं वहाँ पे है धूनी। यहाँ पे भी जो बहुत सारे पूजा पाठ के कार्यक्रम होते हैं वो यहाँ पे भी होते हैं, और काफ़ी पुरानी धूनी है। इसके बारे में पंकज से पूछते हैं क्या क्या है यहाँ पे। अच्छा पंकज, तो इस धूनी के बारे में कुछ बताओ। ये हमारी हरजू की धूनी है और पहले कच्ची हुआ करती थी, उसके बाद मेरे पापा ने एक कुटिया बना रखी उधर ही, और फिर मेरे ताऊ ने बना रखी एक उधर वाली, और हमारे एक बूबू थे जिनके घर में हम भी गए थे, उनके द्वारा गेस्ट का कंस्ट्रक्शन किया है। सब ने मिलकर सहयोग से अच्छा बना रखा है कि धूनी। फिलहाल यहाँ पर जब भी लोग आते हैं, जब भी कोई बाहर से आदमी आता है यहाँ पर बत्ती जलाने पक्का आता है, पूजा पाठ करके जाते हैं यहाँ पर से। और जब भी जागर वागर होते हैं, नई देवता का अवतार होता है पर पहाड़ की माइथोलॉजी के हिसाब से, तो उसके हिसाब से फिर यहाँ पर पूजा के कार्यक्रम वगैरह बहुत चलते हैं। बाकी बलि वली भी होती है, जब अभी तो बहुत टाइम हो गया नहीं हुआ, पहले हुआ करते थे। गाइस हम लोग बैठे हुए इस समय पंकज का जो गांव है भगीना, इसके सबसे टॉप वाली ये पहाड़ी के हिसाब से, इसके ऊपर भी बड़े बड़े पहाड़ हैं। ये जिस जगह पे हम आए हैं धूनी पे, वहाँ पे सबसे ऊंचा पॉइंट है। किनारे किनारे आपको जैसे दिख रहा है सारा हरा भरा, जो हरियाली से भरा हुआ गांव है वो है। कोई भी जो आपका गाड़ियों की चौंचा पूँ होती है कुछ नहीं होती है यहाँ पे, सब शांत है पूरा का पूरा। तो ये वो जगह है जिसके लिए लोग, जैसे मैंने पहले भी बताया, दूर दूर से पहाड़ों की ओर खींचे चले आते हैं, क्योंकि जो शांति यहाँ पे वो कहीं नहीं मिलती है। और अभी जैसे हवा चल रही है, ये वाली हवा आपको एसी में भी नहीं मिलेगी, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई बिजली नहीं लगती है और 24/7 यहाँ पे चलते रहती है। तो हम लोग थोड़ी देर यहाँ जो दृश्य है उसका मज़ा लेते हैं और थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे, फिर चलेंगे नीचे की ओर। पूरे गांव का हमने चक्कर लगाया है, यहाँ से लेके वहाँ पीछे तक का जो रास्ता है वहाँ तक का घुमाए हैं हम लोग। घर जो है ज़्यादातर खाली पड़े हुए हैं और लोग काफ़ी मिलनसार हैं, जो भी हैं सारे के सारे लोग बाहर खड़े लोग हैं। हाँ बच्चे तो सारे के सारे बाहर हैं। यहाँ पे जो हैं वो एवरेज जो हैं वो 45+ वाले लोग रुके हुए हैं, और घर अभी भी कुछ इस तरह के हैं। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं अभी गुप्त काशी जो मंदिर है उसकी ओर को, नदी भी बहती है वहाँ पे, तो उधर जाएंगे और वहाँ जाके थोड़ी देर ठहरेंगे और मंदिर के दर्शन करेंगे।
और जैसे कि आपको दिख रहा है पूरा का पूरा यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं। मेरे पीछे आम का पेड़ है और भी बहुत सारे पेड़ हैं, तून के पेड़ हैं यहाँ पे, और कभी कभी यहाँ पे बहुत बड़ी वाली छिपकलियाँ देखने को मिलती हैं जो आज बाहर तो नहीं निकली है लेकिन उनका साइज़ बड़ा ख़तरनाक रहता है। तो अगर वो दिखी तो उनको भी दिखाएंगे। अभी चलते हैं हम लोग, पंकज भर रहे अपनी बाइक में तेल, और यहाँ से कितना किलोमीटर दूर है यहाँ से? 4-3 किलोमीटर हम जा रहे हैं गुप्त काशी जो मंदिर है रानीखेत में उधर की ओर को। गाइस नीचे है गुप्त काशी का मंदिर, शिव जी का ये मंदिर है। नीचे एक नदी बहती है, गर्मियों का टाइम है तो पानी उतना ज़्यादा नहीं है लेकिन हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत पानी में जाके नहा सकते हैं। और थोड़े गहरे के लिए हम लोग शायद तिपोला यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर पड़ता है उधर जाएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर पे, मंदिर के दर्शन करेंगे, थोड़ी देर पानी में छपाछप करेंगे। और जैसे कि आपको दिख रहा है काफ़ी सारे घर आपको दिख रहे हैं लेकिन जो हैं वो सारे के सारे खाली हैं। और एक स्कूल भी है यहाँ प्राइमरी, तो बच्चे जो हैं दिख तो कोई भी नहीं रहा यहाँ पे, पूरा का पूरा तीन सब खाली पड़ा हुआ है। यहाँ के स्कूल में 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे यहाँ? बस 3 बच्चे। तो ये जो स्कूल है यहाँ पे केवल 3 बच्चे ऐसे सुनाई में आ रहा है, इसको कन्फर्मेटरी ना माने, 3 मतलब ऐसे सुनने में आ रहा है, 2-3 बच्चे ही। तो पहाड़ों की जो हालत है वो धीरे धीरे, पलायन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है इस साइड से और लोग जो हैं वो काफ़ी कम है क्योंकि अच्छी एजुकेशन के लिए अपने बच्चों को वो ज़्यादातर हल्द्वानी या फिर यहाँ से आगे रानीखेत चले जाते हैं और जो गांव हैं वो ऐसे ही खाली पड़े रहते हैं। गाइस मैं पहुँच चुका हूँ गुप्त काशी मंदिर के परिसर में जो कि रानीखेत पे है, और इसमें 2 मंदिर हैं, एक यहाँ पे है और एक है नदी के उस पार, मजूर खान के निकट है। मजूर खान, तो हम लोग जैसे पंकज बता रहे हैं कि मजूर खान के निकट हैं और हम लोग हैं रानीखेत से 20 किलोमीटर दूर इस समय। और यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है नदी भी बह रही है क्योंकि गर्मी का टाइम है तो पानी उतना ज़्यादा नहीं है, कम है पानी यहाँ पे, काफ़ी नीचे तिपोला साइड काफ़ी ज़्यादा पानी है। तो अभी हम उधर की ओर को भी जाएंगे और पहले करते हैं मंदिर के दर्शन। यहाँ पे है पुजारी जी और जो बाकी के मंदिर से जुड़े हुए लोग हैं। मैं हूँ इस समय रानीखेत पे जो स्थित है 20 किलोमीटर दूर भकीना गांव पे गुप्त काशी का मंदिर। बहुत कम लोगों के इसको बारे में पता हुआ है कि यहाँ पे एक शिव मंदिर है जिसे गुप्त काशी कहा जाता है। और मंदिर के अंदर का जो पूरा का पूरा स्वरूप है वो कुछ इस तरह है। यहाँ पे शिवलिंग स्थापित है गणेश जी की, माता पार्वती की और कुमार कार्तिकेय की मूर्ति स्थापित है। और पहाड़ और भी मंदिर हैं और दूसरा जो मंदिर है वो है नदी के उस पार। तो मंदिर के जस्ट सामने जो है वो है बटुक भैरव जी का मंदिर और यहाँ पे एक छोटा शिवलिंग और उनकी प्रतिमा जो है वो स्थापित है। मंदिर के जस्ट सामने जो है वो है यहाँ पे धूनी स्थापित है। अगर आप किसी भी मंदिर में जाएंगे तो हर जगह पे एक धूनी जो है वो हमेशा प्रज्वलित रहती है। और ये हैं जो पहले पुराने मंदिर हुआ करते थे, ये सारे के सारे मंदिर जो हैं इनको वापस बनाया गया है। इनका पुराना जो पत्थर थे और जिस तरह बने हुए थे वो टूट चुके थे। ये पुराना शिवलिंग, पुराना शिवलिंग, सबसे पुराना जो पहले शिवलिंग यहाँ पे स्थापित थे वो कुछ इस तरह पूरा एक पत्थर से बनाया गया है। इसको अब किनारे पे रख दिया गया है और नया जो शिवलिंग है वो स्थापित करा गया है। तो ये है मंदिर के जो पहले बचे हुए हिस्से हैं वो पड़े हुए हैं और पुराना शिवलिंग जो है वो बचा हुआ है। गाइस मंदिर परिसर में 2 छोटे और मंदिर हैं, ये जो है पीछे ये है नागा बाबा त्रिवेणी गिरी जी की समाधि मंदिर है। इसकी जो स्थापना दिवस है वो लिखा हुआ है 1957, तो आप लगा लीजिए कितना पुराना मंदिर है। इसी के जस्ट बगल में जो है वो है माँ जगदम्बा का जो है वो है मंदिर है, उनकी मूर्ति जो है यहाँ पे स्थापित है।
और इस समय जैसे दिख रहा है पूरा का पूरा मंदिर परिसर जो है वो खाली है। यहाँ पे जो बाकी टाइम लोग आते हैं उनको रुकने के लिए यहाँ पे कमरे भी बने हुए हैं, भोजशाला भी है। यहाँ पे जगह बहुत ही ज़्यादा शांत है। इधर नीचे पूरी की पूरी नदी बह रही है और काफ़ी खूबसूरत जगह है, बहुत कम लोगों को पता है। तो अगर आप लोग इस जगह को देखना चाहते हैं तो आपको आना है रानीखेत से 20 किलोमीटर दूर भगीना गांव पे, और वहां से आपको कोई भी बता देगा कि कहां पे जो गुप्तकाशी का मंदिर है वहां पे स्थित है। अब हम चलेंगे जो नदी के दूसरी ओर मंदिर है उधर की ओर। यहाँ पे मंदिर पर जो नदी के इधर मंदिर है वहाँ पे भी एक शिवलिंग स्थापित है। इसके अंदर जो है एक पूरी की पूरी छोटी सी गुफा है जो दिख रही है। ये है हमारे पहाड़ों की खूबसूरती। नदी बह रही है नीचे और बहुत ही सुंदर मंदिर है। जैसे कि आपको दिख रहा है जितने भी घर, पंचायत भवन और स्कूल है वो पूरे के पूरे खाली पड़े हैं। यहाँ पर बहुत कम लोगों को यहाँ के बारे में पता है, केवल गाँव वाले या फिर जब यहाँ मेला लगता है तभी लोग यहाँ पर आते हैं। और ऊपर जो मंदिर है यहाँ पे मौजूद है शिव जी की नटराज वाली मूर्ति और एक छोटा शिवलिंग यहाँ पे भी स्थापित है। गाइस यहाँ तक का आए हैं, गर्मी भी हल्की हो रही है तो यहाँ पे काफ़ी छोटा पडल है पानी का। पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर 15-20 मिनट नहाएंगे, थोड़ी गर्मी दूर करेंगे, फिर हम लोग चलेंगे तिपोला की ओर को और वहाँ पे काफ़ी गहरा पानी का है और वहाँ पे जो हरे भरे खेत हैं वो काफ़ी अच्छे सुंदर दिखते हैं, तो वो आपको दिखाएंगे। अभी हम लोग थोड़ी देर तैरेंगे छोटे से पडल पे, ज़्यादा गहरा नहीं है लेकिन ऐसा है कि पानी में जाके अपनी जो गर्मी है उसे दूर कर सकते हैं। तो चलते हैं पानी के अंदर। तो पानी बहुत ठंडा है, मज़ा आ रहा है। तो अभी और गहरे में जाएंगे। गाइस गुप्तकाशी का जो मंदिर है उसके दर्शन हो गए हैं। थोड़ा नहाया हमने यहाँ पे, नहाए गएंगे तैरेंगे नहीं क्योंकि काफ़ी कम पानी था। अब हम जा रहे हैं ज़्यादा गहरे पानी की ओर को और हमारा जो लंच है वो भी पैक है साथ में, तो चलते हैं गहरे पानी की तलाश की ओर को। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं तिपोला पे। ये जो आपका भगीना है वहाँ से 5 किलोमीटर नीचे कुछ पड़ता है और जैसे नीचे आपको दिख रहा है पूरे हरे भरे खेत हैं। यहाँ पे लोगों ने धान उगा रखा है, कुछ पेड़ हैं, छोटे मोटे धनिया मिर्चा ऐसी चीज़ें उगी हुई है। यहाँ पे दूर दूर तक का जहाँ तक का ये खेत है पूरा का पूरा जो एरिया है वो पूरा हरा है। कहीं कहीं पे जो धान की बालियाँ हैं वो हल्की पक चुकी हैं तो भूरा दिख रहा है। और जैसे कि दिख रहा है गांव पूरा का पूरा खाली है। हमारे पीछे ही एक छोटा सा स्कूल भी है। क्या चीज़? हाँ, यहाँ से अगर हम नीचे जाएंगे तो 2 किलोमीटर में एक छोटी सी मार्केट है, हम लोग कल आए थे यहाँ देखने के लिए। और जगह जैसे मैंने आपको बताया था, रोड है, आप बीच में यहाँ पे गद्दा लगा के सो सकते हैं। काफ़ी शांत जगह है पूरा का पूरा। दोस्तों ये है भांग और पीछे हुआ है गेहूँ, तो ये बड़ा अजीब सा मिश्रण है। तो पहले चावल खाना है, भात खाना है, उसके बाद सुट्टा। हमारी यही सबसे रिक्वेस्ट है इसका सेवन ना करें, और क्योंकि ये इसका कंजप्शन वैसे इनवैलिड माना गया है, इलीगल है नारकोटिक ड्रग और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट के अंदर। लेकिन इसको यूज़ पहाड़ों में इसके अलावा भी यूज़ करते हैं। इसके दानों की बहुत बढ़िया चटनी बनती है जिससे गेहूँ ये नींबू के साथ, नींबू को जब सानते हैं उसके साथ यूज़ किया जाता है इसको, तो इसलिए भी इसका यूज़ किया जाता है पहाड़ों में। गाइस हम लोग चले हुए हैं खेतों के बीच में। यहाँ पे एक नहर है उसमें हम चल रहे हैं, बीच में चलेंगे तो गेहूँ पर बेकार हो जाएगा।
तो जैसे कि आपको दिख रहा है पूरा का पूरा चारों ओर जो है वो गेहूं लहला रहा है यहाँ पे। और कितना शांत एरिया है देखिए, आसपास जो घर हैं उनमें भी कोई नहीं है, पूरा खेत खाली है यहाँ पे। ना बंदर दिख रहे हैं, ना कोई ऐसे जानवर दिख रहे हैं, रोड में कोई कुत्ते तक का नहीं देखे हमने आवारा। हम लोग पहुँच गए हैं नदी के वहाँ पे, अभी हम देख रहे हैं कोई अच्छी सी अगर तैरने की जगह मिले हमें। पूरा का पूरा जो जगह है वो है पानी और पत्थरों से घिरा हुआ, जैसे आपको दिख रहा है मैं जूते हाथ में लेके चला हुआ हूँ। और पीछे तक का जो है वो मस्त पूरा का पूरा नदी का व्यू है। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी मशक्कत के बाद एक बहुत ही खुली जगह पे। जैसे कि आपको दिख रहा है काफ़ी साफ पानी है, काफ़ी बड़ा एरिया है, जो पत्थर है इसके पीछे तक का पानी है, हम वहाँ तक का तैर सकते हैं। बस पंकज को उतना तैरना नहीं आता है तो मैं उतने ज़्यादा जगह गहरी जगह पे नहीं जाऊँगा, मैं केवल इधर इधर तैरूँगा। और बहुत ही साफ़ पानी है, बिल्कुल कांच की तरह साफ़ है, लोगों ने ज़्यादा कूड़ा भी नहीं फैलाया हुआ है, कूड़ा है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं फैला हुआ है कि इस जगह को हम गंदी कह सकते हैं। ये वो छुपी हुई जगह है उत्तराखंड की जिनके बारे में लोगों को पता नहीं है। लोग गिनी चुनी जगह जैसे आपको नैनीताल हो गया या फिर चार धाम हो गए, इनके बारे में जानते हैं। ये उत्तराखंड की वो छुपी हुई जगह है जहाँ पे आप आके अपनी फैमिली के साथ दोस्तों के साथ मज़े कर सकते हैं। अगर आ रहे हैं तो कूड़ा ना फैलाएं। और हमारा जो छोटा सा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, इसको टूरिज़्म में और यहाँ के लोगों को इसी तरह जो है रोज़गार मुहैया होता है। तो ऐसी जगह पर आइए घूमिए और मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पानी में क्या क्या मज़े कर सकते हैं। तो हम लोग तैरना चालू करते हैं। तो पंकज कैसा रहा आज का दिन? अभी तक का जो तैरने में कितने मजा आए? तैरने मजा आ रहा है, पत्थर से चिपक कर बैठा हूँ घर में लेने के लिए। मजा आ रहा है, बहुत अच्छा दिन रहा, नई जगह थी हमने भी नहीं देखी थी, अच्छा लगा, पानी काफ़ी गहरा है, मजा आ रहा है। थोड़ी देर में पराठे वराठे खाएंगे, मजे करेंगे। तो गाइस यहाँ पे जो है पानी काफ़ी, हम जो जहाँ पे हैं वहाँ पे पानी कम है लेकिन यहाँ पे भी काफ़ी जो गले तक का पानी है वो है पंकज, क्योंकि पत्थर में है तो आपको लग रहा होगा पानी कम है लेकिन काफ़ी ज़्यादा गहरा पानी है। पीछे जहाँ हम अभी तक का तैर रहे थे वहाँ पे भी काफ़ी गहरा पानी था, तो पानी काफ़ी साफ है। गर्मी वाला दिन था और दिन भर पानी में छपा छप करने के बाद काफ़ी मज़ा आ रहा है। नहाने के बाद हम लोग आ गए हैं बाहर और भूख क्योंकि काफ़ी लगी थी तो हम लोग यहीं पे अपना जो है वो जो अपने साथ पैक लाए हैं, पराठे हैं हमारे पास और रायता है खीरे का, यानी कि ककड़ी कहते थे पहाड़ी में, तो वो खाएंगे और उसके बाद चलेंगे यहाँ से नीचे की ओर को। गांव में काफ़ी हरे भरे खेत हैं और जो उत्तराखंड के गाँव हैं कैसे दिखते हैं वो दिखाएंगे इसके बाद आपको। तो पहले करते हैं पेट पूजा यहाँ पर। ये है बिल्कुल पेट पहाड़ी रायता और गोभी के पराठे, चख के बताता हूँ कैसा। सबसे पहला वो बाइट, पंकज ने ओके कर दिया है, मजा आ रहा है। मैं भी पेट पूजा चालू करता हूँ। तो आप क्या कर रहे हो? तुम्हारी वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पर एप्पल बन रहे हैं हमारे घर में, फूल। तुम पानी डालने वाले ना डालो। गाइस रानीखेत का जो भगीना गांव का मेरा ट्रिप था वो हो गया है कंप्लीट। गांव में घूमे हम लोग और एक चक्कर गए थे बिनसर महादेव, नहाया यहाँ नदी में, और दो तीन दिन जो मेरे थे काफ़ी अच्छे गए। तो जैसे आपको दिख रहा है काफ़ी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे, इसको छोड़ के जा रहा हूँ मैं अपने घर की ओर को। तो ये वाला ब्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म, दोबारा आएंगे यहाँ पे फिर से और जितनी भी बाकी के वो छुपे हुए हुए हैं तैरने की जगह उनको ढूंढ के आपको दिखाएंगे। तो ये वाला ब्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म, जल्दी मिलते हैं नए ब्लॉग पे, नई जगह पे, नए एडवेंचर पे। तब तक के लिए बाय, मैं करता हूँ बाइक चालू और निकलता हूँ यहाँ से।